फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज मैं ये वाले जो एक बॉटल का पार्ट है, नीचे का मैंने काट के उसमें कुछ और डाला है और ये मैं मतलब कि फेंकने लगी थी, फिर मेरे दिमाग में आया कि काफ़ी बड़ा साइज़ है और इसमें हम काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं, प्लांट्स वगैरह। तो वैसे तो ये मतलब कि हैंगिंग में ही काम आएगा, क्योंकि ऐसे नीचे रखेंगे तो फिर होगा ही नहीं। तो इसमें मैं आज पहले होल करूँगी, होल करने के बाद फिर मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे कैसे इसमें प्लांट्स का अरेंजमेंट करूँगी। तो जैसे हम सकुलेंट्स का तो करते ही हैं, लेकिन इसमें मैं जो है करूँगी, जो हमारे हैंगिंग होते हैं जैसे वेंडरिंग जी होगी और कुछ ट्रेड्स कंटिया की वैराइटीज़ हो गई या कुछ और इस तरह के जो समर में प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, उस तरह के प्लांट्स इनमें मैं लगाऊंगी। तो उसके लिए इसमें सबसे पहले होल्स करने होंगे, तो मैं काफ़ी सारे इसमें पहले होल्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें प्लांट्स लगाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने होल इसमें कर लिए हैं, तो नीचे भी चार किए हैं, तो इसमें प्लांट्स लगाऊंगी। और ये कुछ इस तरह से है, तो हैंग करने के लिए भी दो मैंने होल्स कर लिए हैं। तो अभी इसमें डालते हैं मिट्टी। मिट्टी इसमें थोड़ी डालनी पड़ेगी मोटी वाली, जैसे जो मतलब कि वुड पीसेस होते हैं वो नीचे रखने पड़ेंगे, नहीं तो मिट्टी जो है सेट होने के लिए टाइम लग जाता है रूट्स बनने में, तो फिर मिट्टी निकलती रहेगी। तो अभी भरते हैं इसमें मिट्टी। तो यहाँ पर हमारी मिट्टी भी रेडी है और जो प्लांट्स हैं वो मैंने लिए हैं ये वाले, एक तो ये है आईवी का और ये भी आईवी है, ट्रेड्स कैंटिया की वैरायटी है, वेंडिंग जू है और ये क्रीपिंग चार्ली है और ये इंच प्लांट जो होता है। तो ये कुछ प्लांट्स लिए हैं क्योंकि ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं कटिंग्स, मतलब प्लांट की ग्रोथ इतनी नहीं है, तो सिर्फ इसकी ज़्यादा है और वेंडिंग की ज़्यादा है। तो बट मैं चाहती हूँ इस वाले ये जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इनको हैवी ग्रोथ करना चाहती हूँ। तो अभी इसमें कर लेते हैं मिट्टी फिल। Thank you.